के बीचों बीच है और ये 50 केजी का सेमीफाइनल है फ्री स्टाइल में मेडिसन पार्क्स कनाडा की। तो मेडिसन पार्क्स और पूजा गहलोत, जैसा कि आप जानते हैं, इस मुकाबले में जो दो ग्रुप्स हैं नॉर्डिक सिस्टम में ये मुकाबला खेला जा रहा है, तो नंबर एक दूसरे ग्रुप के नंबर दो से और दूसरे ग्रुप का नंबर एक इस ग्रुप के नंबर दो से खेलेगा। तो यहां पर गहलोत और पार्क्स के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार मुकाबला रहेगा ये, दोनों ही उभरती हुई बेहतरीन पहलवान। अगर मेडिसिन की बात करें तो वो 29 वर्षीय है, पूजा गहलोत से उम्र में बड़ी है, लेकिन बहुत तजुर्बेकार और अनुभवी पहलवान है। वहीं पूजा गहलोत भारत की बहुत ही शानदार पहलवान, विनेश के बाद 50 किलो इन्होंने संभाला, एक बार लेगा टेक किया, उतना ही खूबसूरती से डिफेंस किया है मेडिसिन ने, रोक दिया है, अंकुश लगा दिया है। मेडिसिन पार्क्स का शानदार डिफेंस, पूजा की तमाम कोशिशों को उन्होंने नाकाम कर दिया। एक तरफ युवा जोश है तो दूसरा तरफ अच्छा खासा तजुर्बा है, अनुभव है। देखना है कि अब पहला मिनट निकलने को है, किसको पहले दांव मिलता है। फिर कहा गया कि आप लड़ने की कोशिश करें, अन्यथा आपके खिलाफ पैसिविटी दे दी जाएगी। बिल्कुल, और वही पैसिविटी जो एक्टिवेट टाइम में तब्दील हो जाती है 30 सेकंड के लिए। मेडिसिन यहाँ डिफेंस कर रही है और उन्हें एक वार्निंग रेफरी द्वारा दे दी गई है। निश्चित रूप से इस बार मुझे लगता है कि उन्हें 30 सेकंड एक्टिवेट टाइम में डाल दिया जाएगा। अगर वो इसी तरह खेल में सुधार नहीं करेगी और रक्षात्मक श्रेणी अपनाती रहेगी तो बिल्कुल। कुश्ती का मतलब ये है कि आपको प्रयास करते रहने हैं, आप सिर्फ डिफेंस में इस मुकाबले को खत्म नहीं कर सकते। तो पार्क्स पर मजबूत पकड़ है इस समय पूजा की, और अब एक बढ़िया दांव के लिए जा रही है। पूजा ने अच्छी पकड़ बना ली है पार्क्स के ऊपर, लेकिन पार्क्स का डिफेंस एक बार फिर चलता हुआ, दो पॉइंट्स यहां लेकर के आ गई पूजा गहलोत। टेक डाउन के दो पॉइंट्स मिले, एक बार फिर हल्का सा उन्होंने उठाया पार्क्स को, क्या पलट सकेंगी, पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन पार्क्स सिर्फ और सिर्फ डिफेंस, दो पॉइंट्स और इन दो पॉइंट्स के साथ अब चार पर पहुंच गई है पूजा गहलोत। बहुत अच्छी बढ़त बनाई है पूजा ने, जितना संघर्षपूर्ण मुकाबला हम समझ रहे थे उसको थोड़ा आसान किया है पूजा गहलोत ने, और पहले ही दौर में 4-0 की बढ़त लेना काबिले तारीफ है। जबरदस्त प्रदर्शन पूजा गहलोत का, 4-0 से आगे मेडिसिन पार्क्स के खिलाफ ये सेमीफाइनल मुकाबला। अगर पूजा जीती तो एक मेडल और, या तो रजत या संभवतः गोल्ड पूजा के नाम आएगा। अब तक का जो मुकाबला देख करके लग रहा है, जो ग्रुप देखा है उसमें कृपा शंकर जी पूजा के गोल्ड की संभावनाएं प्रबल हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रबल है ये मुकाबला, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जीतती है तो नाइजीरियन, संभवतः नाइजीरियन की पहलवान से फाइनल खेलेगी, और अगर बाई चांस रह जाती है तो ब्रॉन्ज मेडल एक ही मिलेगा। बिल्कुल, फिर ब्रॉन्ज मेडल के लिए जाना होगा, और ये 4-0 से आगे हैं पूजा, सिर्फ 15 सेकंड का वक्त बाकी है। पहले खेमे बांधे और उसके बाद एक हाथ छोड़ करके थाइस पे लगाया पकड़ बनाने के लिए, लेकिन इस तरह के एक्शन में पकड़ आपकी बनेगी नहीं, इतनी दूर से आप मजबूत पकड़ के लिए नहीं जा सकेंगे। और इसके साथ ही ये पहला दौर इस मुकाबले का यहीं पर समाप्त होता हुआ, आधे मिनट का ब्रेक है। पूजा गहलोत इस समय 4-0 से बढ़त बना चुकी है। ये वो क्षण जहां दो अंक लिए पूजा गहलोत ने मेडिसिन्स के ऊपर, और ये यहां पर गट रेंज लगाने का प्रयास, जोन से बाहर चले गए, चूंकि अंदर से प्रयास था और कंटिन्यूटी में डेंजर पोजीशन में किया तो दो अंक और अर्जित किए। तो पहला राउंड बेहतरीन रहा पूजा गहलोत के लिए, क्या इस बढ़त के सिलसिले को वो कायम रखेंगी या दूसरा दौर जल्द से जल्द खत्म करना चाहेंगी। ये सेमीफाइनल मुकाबला, पूजा एक बार फिर मुकाबले की शुरुआत होते हुए बहुत ही बढ़िया तुरंत दांव पर गई, लेकिन जितनी
तेजी के साथ, जितनी फुर्ती के साथ पूजा ने दाव लगाया, उससे ज्यादा फुर्ती से मेडिसन पार्क्स ने डिफेंस किया। और यहां पर पलटने की कोशिश मेडिसन पार्क की, लेकिन दो पॉइंट्स यहां पर पूजा को और मिले। और ये यहां पर देखना होगा, शुरुआत कर दी है, खाता खोल दिया है मेडिसन पार्क्स ने। बिल्कुल, पूजा ने बैंगड़ी दाव लगाया था, दो अंक अर्जित किए, लेकिन अपने ही दाव में उलझी, दो अंक गवाए भी। तो स्थिति वही है, 6-4 यानी 4 अंकों की लीड। 2.5 मिनट का वक्त बाकी है। इंडिया इंडिया की आवाजें आप पीछे से सुन रहे होंगे। बर्मिंघम में भारतीय समुदाय की संख्या अच्छी खासी, और मुझे लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के हर कोई बेहद उत्साहित। रेसलिंग में जिस तरह का परफॉर्मेंस इंडियन रेसलर्स ने किया है वो सचमुच काबिले तारीफ। 6-2 से इस समय पूजा गहलोत आगे, और 2 मिनट का वक्त बाकी। एक दूसरे के साथ सर से सर टकराते हुए, दोनों के हाथ एक दूसरे के कंधों पर हैं, और ये ऐसा इसलिए कि दांव की तलाश है, पैरों के बीच फासला बहुत बड़ा है। और फ्री स्टाइल में जब आपके पैरों के बीच बड़ा फासला होता है तो दांव लगाना कतई आसान नहीं होता। ये थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच है, अगर आप पैरों को दूर रखते हुए खेलने की कोशिश करें। हो सकता है पूजा गहलोत पॉइंट्स के बेसिस पर इस मुकाबले को जीतना चाहती हूँ। बिल्कुल, इसीलिए डिफेंस भी कर रही है, उलझना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ पूजा को यहाँ पर समय पास करने की एक अच्छी नीति तैयार करनी चाहिए। और इस बार जॉन पर जाती हुई, बाहर नहीं निकलना चाहिए, लगातार कुश्ती करते रहे, लेकिन कहीं भी जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, अभी भी पूजा का पलड़ा भारी है, आउट ऑफ बाउंड होने से बचना चाहिए। ये बाहर गई, पॉइंट यहां पर मिल गया, एक नहीं बल्कि 2 पॉइंट्स मिल गए मेडिसन पार्क्स को। फासला घट करके अब सिर्फ 2 पॉइंट्स का रह गया है। देखिए, पूजा को इस बात का आभास होना चाहिए कि डिफेंसिव रेसलिंग नहीं खेलनी, टाइम पास किस तरह करना है। टाइम पास का मतलब यानी डिफेंस नहीं करना है, भागना नहीं है, जॉन से बाहर नहीं निकलना है, आप कुश्ती करते रहो। कहीं ऐसा तो नहीं कि संभवतः कुछ आपत्ति दर्ज कर रहे हैं भारतीय टीम का प्रबंधन इस पॉइंट्स के लिए? हाँ, आपत्ति करने का एक समय होता है 5 सेकंड का। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने बजट दबाया था, यानी कि एक चैलेंज होता है, लेकिन कोच कह रहा नहीं, हमने नहीं दबाया, हमें नहीं चाहिए चैलेंज, हम एक्सेप्ट है, हम मान रहे हैं, 2 अंक है कैनेडियन रेसलर। चलिए, 50 सेकंड का वक्त बाकी, 2 पॉइंट से आगे गहलोत, बेहद कड़ा मुकाबला, बहुत अच्छे तरीके से पैरों पर गई, लेकिन देखिए पैरों को इतना फैला दिया है कि उनके हाथ चाह करके भी मजबूती के साथ उस पर अपनी गिरफ्त नहीं बना पा रहे हैं। बिल्कुल, पूजा को अब पंगा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समय पास करना है, नजदीक से खेलते रहे, भागना है नहीं, इस तरह के पंगे भारी पड़ सकते हैं। बांगड़ी दांव फिर मारने का प्रयास करेगी पूजा गहलोत, 50 किलो में यह मुकाबला चलता हुआ सेमीफाइनल भारत और कनाडा के बीच, मात्र 15 सेकंड शेष है। अगर यह समय पास हो जाता है तो भारतीय पहलवान एक और फाइनल में पहुंच जाएगा। बिल्कुल, लेकिन पॉइंट का फासला अब सिर्फ 1 पर रह गया है, हालांकि सेकंड्स सिर्फ 9 सेकंड बाकी हैं इस मुकाबले के अंदर। पूजा को न सिर्फ बाहर जाने से बचना होगा, बल्कि यहां पर इस मुकाबले को जीत के साथ पूजा बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। देखो, कनाडा की पहलवान जिसका अंदेशा संजय हम बात कर रहे थे कि पूजा को समय पास करना है, ना कि विपक्षी पहलवान से उलझना है, पूजा उलझी और दुर्घटना घटी, और ये फाइनल में पहुंचते अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलना है। बिल्कुल, मेडिसन पार्क्स ने आखिरी 9 सेकंड के भीतर यहां पर पूरी तरह से इस मुकाबले को पलट दिया। आखिरी 9 सेकंड तक पूजा के पास 1 पॉइंट की लीड थी, लेकिन मेडिसन पार्क्स यहां पर सेमीफाइनल मुकाबले को जीत चुकी हैं। और ये रिप्ले किस तरह से, ये चमत्कारी कुश्ती है, विपक्षी पहलवान को अपने ऊपर लेकर डेंजर पोजीशन में गिराया, ये देखिए डेंजर पोजीशन में जाकर और कंप्लीट किया, और डेंजर पोजीशन के अगली। तो फिलहाल चलिए चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर।